मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कोयल है जो करंट कैरी कर रही है आई, एक पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे। बायट सेवर्ट्स लॉ आपको पता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मान लो ये एलिमेंट है डीएल, ए बी एलिमेंट है डीएल, ये इसका सेंटर है ओ, ये सेंटर ओ है और इसकी रेडियस है ए। मान लिया एक सर्कुलर कोयल है जिसकी रेडियस ए है, डीएल एक स्मॉल एलिमेंट है, ये एलिमेंट से आर डिस्टेंस की दूरी पे है और मान लिया ये इसके सर्कल के सेंटर से जो है ये दूरी एक्स है। कोई भी सर्कल उसको कोई लाइन टच करके जाती है इसको बोलते हैं टेंजेंट, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो एंगल थीटा है वो कितना है यहाँ पे, थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री कितना जाएगा 1। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आइडियल है करंट एलिमेंट, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी डी बी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस करंट एलिमेंट। अगर हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, ये एंगल अल्फा है, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं डीबी को, ये एंगल अल्फा होगा क्योंकि 90 इस पॉइंट से 90 डिग्री अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। हो जाएगा डी बी साइन अल्फा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे हो जाएगा डी बी कोस अल्फा। हम मान लेते हैं सेम उसी लेंथ का एक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट, ये भी सेम उसी लेंथ का डी एल लेंथ का, ये ए डैश ये बी डैश। अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल भी अल्फा, नीचे की तरफ तो माइनस अल्फा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, इस एलिमेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ रहेगा यानी ये डी बी रहेगा। इसके कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे, एक तो ये आएगा डी बी कोस अल्फा, इधर आएगा डी बी साइन अल्फा। तो हम देखेंगे कि ये नीचे यानी ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ हमारे पास रिजल्टेंट में क्या बचेगा, डी बी साइन अल्फा बचेगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ डी बी साइन अल्फा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कंप्लीट भी होगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हम पूरे सर्कुलर लूप के लिए मतलब छोटी सी चीज को अगर हम बड़ा करेंगे तो सेम वही हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डी बी साइन अल्फा होगा। डीबी की जगह डीबी की वैल्यू रखेंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन।
ट्रेंगल ओ पी, ये मान लो पॉइंट सी है ओ पी सी, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर यानी ए अपॉन हाइपरटेन्यूस आर, यानी साइन अल्फा होगा ए अपॉन आर, हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन, और क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, चलो पहले इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट है, फोर पाई भी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और नीचे आर क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक सर्कल है और इसकी क्या हो जाएगी कंप्लीट लेंथ, क्या होगी कंप्लीट लेंथ इसकी होगी 2 पाई आर, 2 पाई इनटू रेडियस यानी उसकी पेरिमीटर, उसका पेरिमीटर कितना हो जाएगा सर्कल का, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब 2 पाई ए, 4 पाई से डिवाइड करेंगे इसे, यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ओपीसी में क्या होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आर क्यूब निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, तो ये हमारा क्या आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया एक कोयल का पॉइंट पी पे, अगर एन टर्न है कोयल के अंदर, एन टर्न है कोयल के अंदर, एन टर्न है तो क्या हो जाएगा, इसको एन से मल्टीप्लाई किए फोर सिंगल टर्न है तो एन टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू, एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन यहाँ पे जाएगा एन ए आई स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, अगर सेंटर पे बात करें तो एट सेंटर, सेंटर पे अगर पॉइंट पी है तो जो एक्स है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए अपॉन जीरो हो गया ए 3/2, तो ए क्यूब बचा टू ए क्यूब, ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a सॉरी स्क्वायर था ना, तो ये